वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये पेपर आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी फायदा मिलेगा। इस पेपर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और जिनके सामाजिक के पेपर होना बाकी है नवी वालों के, तो ये पेपर आप देख लेना, कई सारे प्रश्न आपके इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया, तो इसका जो उत्तर है आपके 1815 है। और जो जो मैंने लाल रंग के निशान से निशान लगा रखे हैं वो इसके सही उत्तर हैं, इन्होंने पहले जो पेपर्स में लगा रखे वो गलत है, तो लाल रंग वाले को आपको सही मानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सौ ऑप्शन 1815। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कार्ल मार्क्स का जो कोटेशन है ये सही उत्तर हो जाएगा आपके मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी आपके 1919 में, याद कर लेना आपको 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, बार बार पूछा जाता है, तो इसमें आपके जो आठ राज्य हैं उन आठ राज्यों को याद कर लेना, उसमें आपके उड़ीसा का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है इस, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके महेंद्र गिरी। नेक्स्ट है आपके नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में से होकर बहती है, तो एक तो तापी नदी है और एक आपकी है नर्मदा नदी, ये दो ही नदियाँ ऐसी है जो ब्रंश घाटी में बहती है, तो दोनों का नाम आपको याद कर लेना है, तापी और नर्मदा का। नेक्स्ट है आपके डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है, अब देखो ये आपकी किताब में किस भाषा का दे रखा है आप इसको ढूंढ के मुझे बताना। इसका जो उत्तर है वो वैसे तो ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन अब आपको इसमें ग्रीक शब्द या फिर यूनानी शब्द नहीं दे रखा है, तो या तो ये इसका जो उत्तर है वो अरबी है या फिर इसका अंग्रेजी है, तो आप अपनी किताब में से जो आपके डेमोक्रेसी वाला पार्ट है उसमें देख के बताना कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है। फिर आपके भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में जो संविधान दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी, तो ये तो बार बार पूछा जाता है, इसका उत्तर कर देना आपको कृषि, यही क्वेश्चन आगे वापस रिपीट होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कृषि। और आप भी अपना पेपर होने के बाद में मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 7575009769, ये लिंक में आपको नीचे भी मिल जाएगा आठवीं नवीं क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ इसको ज्वाइन कर लेना, और पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना, सारे पेपर आपको वहाँ पे फ्री में उपलब्ध हैं। तो जिन जिन के पेपर होना बाकी है वो सब्जेक्ट के सारे पेपर आप जरूर देखना, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। कौन सा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो इसमें आपके हो जाएगा विनिर्माण। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस का सम्राट कौन था, तो ये लुईस सोलह। रूस के जार ने 1917 में राजगद्दी छोड़ दी थी, तो ये जार जो है उसके शासक को कहते हैं, रूस का जो राजा होता है शासक होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूस का शासक क्या कहलाता था, तो जार कहलाता था, इसका उत्तर आपके 1917 में इन्होंने राजगद्दी छोड़ी थी। भारत के भूभाग का कुल प्रस्थित क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में आती है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 तक किस देश में नहीं था, तो सऊदी अरब में ये नहीं था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। और फिर आपके पालमपुर वाला वापस आया, देखो कृषि आ जाएगा इसमें, पालमपुर में कृषि उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये आपकी हो जाएगी 18%। ये टाइड क्या है, तो ये बार बार पूछा जाता है टाइड वाला, तो ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर है। रूसी क्रांति के पूर्व रूस के कौन कौन से दल थे, उनके नाम को नाम बता देना, नाजी वगैरह वो जो भी हैं इन सभी के। दूसरे विश्व युद्ध में आपके प्रमुख जो मित्र राष्ट्र हैं उनके आपको नाम बताना है, तो मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा। वर्तमान जो रूस है उसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। भारत का जो मानक याम्योत्तर माना जाता है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है इसको वर्तमान में वाराणसी कहते हैं, वहाँ से होकर ये गुजरता है। और दून किसे कहते हैं, तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो लंबवत घाटी है उसको दून कहते हैं। जैसे दून में आपको याद कर लेना है आपके ये देहरादून, इसी प्रकार से द्वार के बारे में भी आपको जान लेना है, जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। अपवाद द्रोणी किसे कहते हैं, तो एक नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो प्रवाहित क्षेत्र है उसको अपवाद द्रोणी कहा जाता है। फिर आपके ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तो वो वाले देख लेना। आपके निर्धनता उन्मूलन में वर्तमान सरकारी रणनीति चर्चा करनी है, और भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाना है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में आपको दर्शाना है, ये नाम आपको देख लेना, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और ये जो स्थान है इनको भी आप दर्शा सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे के प्रश्न और देख लेते हैं। लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों का वर्णन करना है, रंग भेद की नीति क्या है, रबी और खरीफ की फसलों के तीन तीन उदाहरण लिखने हैं। तो देखो खरीफ की फसल जिसको हम खो देते हैं तो वो हो जाएगी आपकी, एक तो मक्का, मक्का के साथ में
मूंगफली हो जाएगी मक्का के साथ में, मूंगफली और मूंगफली के अलावा सोयाबीन, बाजरा, सोयाबीन यानी कि मक्का के साथ में जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी आपके खरीफ की हैं। गेहूँ के साथ में जितनी भी होती हैं वो सारी सारी आपके रबी की फसल हो जाएगी। गेहूँ है, सरसों है, चना है, गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। और खरीफ की मक्का, मूंगफली और सोयाबीन आ जाएगी। बेरोजगारी क्या है, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी, नदी प्रदूषण के जिन कारण हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश से स्पष्ट करना है, ये हरित क्रांति के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन के पतन के कोई चार कारण बताने और फिर आपके भारत में चुनाव आयोग के अधिकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। पालमपुर में बहुविध फसल की प्रणाली को समझाना है। और दूसरे संसाधन की बात ही, जनसंख्या भी एक संसाधन है, समझाइए क्या आप इसे समझ सहमत हैं। रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव को समझाना है। गुमंतु कृषि किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रपति की प्रमुख जो शक्तियाँ हैं उनका वर्णन करना है। और भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उसको दूर करने के महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। तो ये जो सारे सारे प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार आप देखना। और भी मैंने सामाजिक के पेपर आपके डाल रखे हैं तो उनको भी देखना। ये पेपर वो पेपर है जो अलग अलग जिलों में हो चुके हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन पेपर को देखने से। तो आपके भी पेपर होने के बाद में मुझे अपनी PDF भेज सकते हैं, ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और अपने जिले का नाम लिखना है कि आप कौन से जिले से संबंधित हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर देख लेना। नेपोलियन बोनापार्ट का बार बार पूछा जाता है, ये 1815 हो जाएगा इसका उत्तर। और ये एक जो विचार है ये भी आप देख लेना, औद्योगिक समाज का एक पूंजीवादी समाज है, तो ये कार्ल मार्क्स का जो कोटेशन है। वर्सायी की संधि बार बार पूछी जाती है, 1919 में होती है। और कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती, तो आपको उन 8 राज्यों के नाम याद कर लेने हैं जिन राज्यों से होके गुजरती हैं। देखो 8 राज्य में कौन कौन से, एक तो आपके गुजरात हैं, राजस्थान, गुजरात हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं इनको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। उड़ीसा इसमें नहीं आता है, ठीक है, उड़ीसा इसमें नहीं आएगा, महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है, तो ये आप इसमें देख लेना। और बिहार भी इसमें से नहीं आता है, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। तो ये जिन जिन राज्यों से गुजरते हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट करके बताना कि पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देख लेना। एक डेमोक्रेसी वाला जो प्रश्न है इसका भी आप उत्तर कमेंट करके बताना। वैसे जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया जाता है, लेकिन आपके जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपके 4 ही ऑप्शन है, तो इसका जो उत्तर है सही उत्तर आप कमेंट करके बताना चाहिए कौन सा उत्तर इसका सही है। वैसे इसका आंसर नहीं देना, आपको किताब पर देख करके इसका उत्तर बताना है। तो ये आपका पूरा पेपर था, इसमें PDF में आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ऐप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो भी आपको जो इस नाम से प्ले स्टोर पर इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर मैंने जो आपके जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी के पेपर जो अपलोड कर रखे हैं आपके, अगर वो पेपर बाकी है तो उनको आप ज़रूर देखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।